गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो गाइस नॉर्मली हम लोग या तो घर का खाना खाते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं, पर आज मैंने ये चैलेंज लिया है कि अगले 24 घंटों तक मैं सिर्फ यूनिक प्लेसेस का ही फूड खाऊंगी। जैसे कि आज मैं ब्रेकफास्ट करूंगी जेल में, लंच करूंगी प्लेन में और डिनर करूंगी आसमान की ऊंचाइयों में। तो अभी बज रहे सुबह के 10, तो चलते हैं सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट करने जो कि होने वाला है जेल में। जेल के सेटअप में बना हुआ है और यहाँ पे छोटे छोटे जेल वाले सेल्स हैं, मतलब इसका पूरा सेटअप एक रियल जेल वाली फील से इंस्पायर्ड है। अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो यहाँ पे ऑर्डर कर लिया है। मैंने मंगवाया है यहाँ पे एक सैंडविच और एक कोल्ड कॉफी। सब कुछ जेल की तरह है, बस मुझे डर इस बात का है कि कहीं का खाना भी जेल वाले टेस्ट की तरह ना हो। वो तो अब खाने के बाद ही पता चलेगा, तो देखते हैं कि खाना अच्छा है या जेल वाला है। गाइस थैंक गॉड इनका कैफे ही सिर्फ जेल वाला था, खाना इनका जेल जैसा बिल्कुल नहीं था, खाना टेस्टी था। तो गाइस अब टाइम था हमारे अगले यूनिक रेस्टोरेंट का, जो था दिल्ली के एक दूसरे कोने पर। तो गाइस अभी बजे दोपहर के 1 और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं लंच करूंगी प्लेन में, तो अभी मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। यहाँ से हमने अपना बोर्डिंग पास लिया, सिक्योरिटी चेकिंग करवाया और फिर हम बढ़ गए रनवे की तरफ। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे और मेरा एयरपोर्ट थोड़ा सा नदी किनारे है, बट स्टिल कोई बात नहीं। तो गाइस ये है रनवे 1, एक प्लेन रेस्टोरेंट। तो अभी चलते हैं और अपने प्लेन वाले लंच का लुत्फ उठाते हैं। मैं आई तो यहाँ पे लंच करनी थी, पर मेरा जो को-पायलट है वो पीछे दारू पी के बेहोश हो गया। अब मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो मेरे एक अंकल पायलट है, मैं उनको फोन करके पूछती हूँ। हेलो अंकल। हेलो। हाँ क्या करना है, कैसे उड़ाना है इसे? आपके सामने एक बड़ा सा गोल व्हील है, व्हील के साइड में एक रेड बटन है। लाल बटन? हाँ दिख रहा है। ठीक है, नहीं दबाना। बहुत नाटक हो गया, इससे पहले ये लोग मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाले। चलते अपना लंच करने। तो गाइस ये रेस्टोरेंट तो काफी यूनिक था, एकदम सचमुच के प्लेन में बना हुआ था। अगर आप लोग कभी भी प्लेन में नहीं बैठे हो तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे एक रियल कॉकपिट भी था, एयर होस्टेस भी घूम रही थी और फिर मुझे देखे खुद पायलट महाशय जो कि प्लेन नहीं चला रहे थे, ऑर्डर ले रहे थे। तो गाइस इनके रेस्टोरेंट की तरह इनका मेन्यू भी बहुत यूनिक है। इन्होंने खानों के नाम कैसे रखे हुए हैं, हाईजैक, कोल्ड कॉफी, क्रैश लैंडिंग, पास्ता, मतलब बिल्कुल ही हर चीज को अलग तरीके से सेटअप किया हुआ है। तो हम भी कुछ यूनिक मंगाते हैं खाने का। तो गाइस ऑर्डर लेने कैप्टन साहब खुद आए हैं। तो हम लोग दे रहे हैं आज एक क्रैश लैंडिंग कोल्ड कॉफी कर दो आप, और एक हाईजैक पिज्जा कर दो। सारी एयर होस्टेस आगे पार्टी कर रही है कॉकपिट में, कैप्टन साहब यहाँ ऑर्डर ले रहे हैं। तो गाइस कैप्टन साहब हमारा ऑर्डर लेके जा चुके हैं अभी, तो अभी देखते हैं यहाँ पे खाना जो आएगा वो कैसा है। और एक और बात गाइस, आज आप में से एक सब्सक्राइबर मुझसे मिलने भी आए हैं यहाँ पे, ये है रोहित। तो रोहित के पास हम सबके लिए गुड न्यूज भी है। तो रोहित सबसे पहले अपने बारे में बताओ और फिर बताओ कि गुड न्यूज क्या है। मेरा नाम रोहित है और मैं रोहिणी से हूँ, मैं स्कूलिंग के बाद से ही अपने बिजनेस में हूँ। गुड न्यूज ये है निशु कि आपकी वीडियो देखने के बाद फाइनली मेरी री लेवल से जॉब लग चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या इसका प्रोसेस क्या होता है? यूजुअली प्रोसेस में ही रहेगा कि आप एक पर्टिकुलर डे पिक करते हो जिस दिन आपको टेस्ट देना है। इसके बाद एक मैंडेटरी इंटरव्यू होता है और उसके बाद ये आपकी प्रोफाइल जो क्रिएट होगी वो आगे जाएगी और कंपनीज आपको पिच करेंगे उस हिसाब से। अच्छा रोहित अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ वो कैसा था? अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं निशू तो काफ़ी हैसल फ्री एक्सपीरियंस है और मेरा तो एक ही दिन में क्लियर हो गया था। थर्ड डे तक तो मेरे को कंपनीज से अप्रोच आने भी शुरू हो गए थे कि आपका यहाँ पे इंटरव्यू है, तो काफ़ी हैसल फ्री एक्सपीरियंस है। अच्छा और कोई टिप जो आप ऑडियंस को देना चाहो? फ्री है री लेवल, कभी भी ट्राई करो, किसी भी दिन कोई भी डे पिक करो, आप फ्रेशर हो एक्सपीरियंस दो, प्लीज ट्राई करो, मेरी तो यही टिप रहेगी। बढ़िया सही है यार।
रोहित को तो री लेवल ने सेट कर दिया और आज इसी खुशी में हम लोग लंच पार्टी कर रहे हैं। तो अभी अपना लंच देखते हैं कब तक आता है, पता नहीं कहाँ रह गए कैप्टन साहब। हाँ ही रहे होंगे। तो गाइस फाइनली हमारा हाईजैक, क्रैश लैंडिंग, रश लैंडिंग सारा फूड यहाँ पे आ चुका है। तो देखने में तो ये बहुत सुंदर है, अभी खाकर देखते हैं कि खाने में टेस्टी है या रियल प्लेन जैसा है ये फूड। खाने में रियल प्लेन जैसा नहीं है, खाने में बहुत यम्मी है। थैंक गॉड बच गए हम लोग। और गाइस कैप्टन साहब अब हमें खाना देके आगे चले गए पार्टी करने हैं रोस्टर्स के साथ। फुल फन कर रहे हैं कैप्टन साहब, बहुत जिम्मेदार प्लेन चलाते हैं। तो गाइस फाइनली हमारे प्लेन की और फूड की दोनों की लैंडिंग हो चुकी है। तो और पेट कुछ ज्यादा ही भर गया है, धक्का आ रही है। तो अब टाइम है यहाँ से निकलने का। अभी टाइम है मेरे ब्रंच का, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्रंच के लिए मैंने कौन सा यूनिक रेस्टोरेंट खोजा है। लेट्स गो। और गाइस फिर हमारे जंगल में, अरे सचमुच के जंगल में नहीं, जंगल कैफे में। और जैसे ही हम अंदर घुसे मैंने देखा यहाँ पे तो सब कुछ ही जंगल जैसा था। हरी हरी घास लगी थी, पेड़ बने हुए थे, पत्तियाँ थी, फूल थे और यहाँ पे शेर, चीते, हाथी सारे ही जानवर थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं यहाँ पे ऑर्डर लेने भी सचमुच के जानवर ना आ जाए। और यहाँ पे तो एक जलपरी की गुफा भी बनी हुई थी। मैंने कहा चलो सब कुछ तो जंगल जैसा है, अब मेन्यू देखा जाए। तो गाइज इनका जो पूरा मेन्यू है वो भी जंगल की थीम का है, सब कुछ हरा हरा है। पेट तो हमारा फुल है बट इतनी जगह है नहीं, बस एक ड्रिंक्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने लिए कुछ एक अच्छी सी ड्रिंक मंगाएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोगों को यहाँ पे खूनी शरबत आ चुका है जो कि मैंने ऑर्डर किया था। सच में खून पी रही है क्या? अबे साले सच में खून नहीं पी रही हूँ। इसका नाम खूनी शरबत है, जंगल की थीम पे है। इसमें काफी पत्ते पुत्ते जड़ी बूटियाँ गिरी हुई है। तो मेरे लिए क्या मंगाई है, शेर का पेशाब? ये क्या है? इट्स अ वर्जिन मोहितो। अब पी के देखते कैसी है। जूस तो मैं पी रही थी बट कहीं ना कहीं मुझे सबसे ज्यादा इंतजार अभी भी मेरे डिनर का था। तो गाइस अब टाइम था हमारे डिनर का, जिसके लिए हमको पूरे 2 घंटे पहले जाना था। और वो रेस्टोरेंट दिल्ली में भी कहीं नहीं था, वो था नोएडा के किसी कोने में। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी डिनर लोकेशन पे जो कि है फ्लाइट। और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सुबह से, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो मेरा डिनर होने वाला है वो होने वाला आसमान की ऊंचाइयों में। और गाइस ये लोग हमें जमीन से 160 फीट ऊपर लेके जाने वाले हैं। थोड़ा मोड़ा ऊंचा नहीं, ये बहुत ज्यादा ऊपर है। और सच सच बताऊं तो मैं जितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ उतनी ही ज्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि हाइट से मुझे थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है। अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे 4 बजे पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे पहले आना पड़ता है और बुकिंग कराने के लिए यहाँ पे आपको स्लॉट मिलता है, आपको वेट करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको नंबर मिलता है कि आप जा सको ऊपर, इसलिए हमें पहले आना पड़ा। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, हमारा टाइम आएगा फिर हम ऊपर जाएंगे। अब टाइम था ऊपर जाने का, और जैसे जैसे ये बेल्ट लगा रहे थे वैसे वैसे मेरी सांसें भी खींच रही थी। मैंने सोचा यार अगर गिरना हुआ तो ये बेल्ट क्या ही कर लेगी। तो गाइस अभी हमको धीरे 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 ऊपर लेके आ रहे थे, पर मेरी बेचैनी बिल्कुल तेजी से बढ़ रही थी। ये लोग मुझे इतना ऊपर लेकर आ गए, मुझे 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि कहीं आज मेरा डिनर भगवान के साथ ही फिक्स ना हो जाए। तो गाइस फाइनली मैं धरती से 160 फीट ऊपर हूँ, वो भी सिर्फ खाना खाने के लिए यूनिक रेस्टोरेंट के चक्कर में। पर आने के बाद मुझे नीचे नहीं देखा जा रहा, मेरे को चक्कर सी फीलिंग आ रही, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे को ना कपकपी सी हो रही है। ड्रिंक एंजॉय करना यार, यार ड्रिंक क्या एंजॉय करूँ, ये मुझे लग रहा था नीचे से देखने में कि थोड़ा बहुत ऊपर होगा, लेकिन ये तो बहुत ऊपर है यार, बहुत ऊपर है। काफी यूनिक है ये, आसमान में खाना भी नहीं खाया जाएगा मुझसे तो। और यार खाना तो बहुत टेस्टी था, पर डर के मारे कुछ भी मेरे गले के नीचे से उतर ही नहीं रहा था। मैं इतने डर के माहौल में बैठी हुई थी और मैं इस मयंक को देख रही थी कि यार इसे किस बात की खुशी है। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि कब ये मुझे नीचे लेकर आए और मेरी जान में जान आए। गाइस फाइनली अब जाके जान में जान आई। नीचे मुझे बोल रही थी कि तू डरेगा तो नहीं ऊपर जाके, ऊपर खुद डर गई जाके। भाई मेरे पसीने छूट गए, इतने ऊपर बैठा रखा था, मेरे को पहले लगा मुझे डर नहीं लगेगा, बट स्टिल इट्स अ वेरी वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। बट यार मेरे को मेरी भी हालत खराब हो गई भाई, मैं कह नहीं सकती, बैंड बज गई ऊपर, इतना ऊपर था। तो गाइस हमारा आज के
का चैलेंज होता है यहीं पे कंप्लीट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो पे करवा देना पूरे 1,10,000 लाइक। अगर आप लाइक करवा देते हो तो मैं बनाऊंगी ईटिंग ओनली वियर्ड फूड 24 आवर्स। और हाँ, अगर तुम लोगों के शहर में भी ऐसा कोई अजीब सा अटपटा सा रेस्टोरेंट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और गाइस, किसी ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो दोस्तों, सब्सक्राइब करो चैनल को। और हाँ, आज तो आपको रोहित ने भी बता ही दिया री लेवल का कमाल। यहाँ से क्रेड, यात्रा, मीशो जैसी 800 से भी ज्यादा कंपनियां हायर करती हैं। और 18 अगस्त को री लेवल को पूरे 1 साल कंप्लीट हो गए और री लेवल ने अभी तक 1100 से भी ज्यादा नौकरियां लगवाई हैं। ये इंडिया के किसी सिंगल IIT और IIM में दी जाने वाली नौकरी से ज्यादा है। एक बच्चे की तो 40 लाख की भी नौकरी लगी है। सो डू चेक आउट रिलेवल बाय अनअकैडमी टुडे एंड स्टैंड अ चांस टू विन अमेजिंग एप्पल प्रोडक्ट्स इफ यू आर वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।